दो ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जिनमें से एक मर गया और दूसरी है श्रुति। जिसे अब मैं मारने जा रहा हूं। दीदी इयररिंग्स ये लीजिए, बहुत सुंदर है। अंकल आप पानी पियेंगे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हमारा एक बहुत छोटा सा गांव था जहां हम हंसी खुशी रहते थे। लेकिन वहां के कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति की वजह से हमें जंगल में जाने को मजबूर कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। मजबूर होकर हमें यह कदम उठाना पड़ा जिसे आज नाम दिया गया है नक्सलवाद। हम अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं। सिंदूर खून चंदन, बंदूकबाज ने हिरन को मारा। लाल खून से लहराता हुआ हमारा ये झंडा, चील के पंखों की आवाज, हमारे सीने में दहकती हुई ये आग, लाल रंग की सूरज की ये किरणें, पंख खुले हुए आंदोलन, नीच घूमने वाले, हमें उनका सामना करना है। और कभी भी सिर झुकाकर मत जीना दोस्तों। सूरज की रोशनी हाथ से कौन रोक सकता है? किसके लिए कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध कितने दिन हुआ, इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख है नहीं है। आंदोलन हमारा फर्ज है, आंदोलन हमारी जिंदगी है। आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। हम लोग नक्सलवाद छोड़ देंगे। इन जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग नक्सलवादी हैं, हमारी लड़ाई जनता के बदलाव के लिए है। हमारा सिद्धांत अपने देश की जनता के लिए आदर्श होना चाहिए। अगर हमने हार मान ली तो जनता का क्या होगा? इस तरह से नक्सलवाद आंदोलन छोड़ना बेवकूफी है।
जनता जनता जनता, भाड़ में जाए ऐसी जनता। अपने ऐशो आराम को छोड़ नहीं सकती और न्याय की बात करती है जनता। रात दिन हम लोग इनके लिए खून बहा रहे हैं और किसी को भी हमारी परवाह तक नहीं है। 15 दिन से उसने खाना तक नहीं खाया, उसके बावजूद वो लोगों के लिए लड़ रहा है। कोई उसे खाना देने वाला भी नहीं है। उसकी माँ के देहांत के 3 दिन हो चुके हैं। एक नक्सली की माँ समझ के अनाथों की तरह छोड़ दिया उसे। ऐसे लोगों के लिए क्यों खून बहाऊं? हम नक्सलियों ने अपना जीवन झोंक दिया है जनता की भलाई के लिए, और उसकी माँ को कोई कंधा देने भी नहीं आया। ऐसे बेशरम लोगों के लिए 7 साल से हम लोग अपने लोगों की खून की नदियां बहाकर जी रहे हैं। ऐसे डरपोक लोगों के लिए लड़ना क्यों जरूरी है? लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम। रुको, आज तक हुआ हर एक आंदोलन किसी न किसी स्वार्थ के लिए हुआ है, लेकिन सच्चाई की राह से पैदा हुआ है ये हमारा नक्सलवाद। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो तुम जनता के साथ रह सकते हो। अलविदा। आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद। लड़ते लड़ते हम बहुत थक गए थे, और ऐसे समय में शत्रु ने जो फैसला किया था वो हमें एक नई दिशा में ले जाने वाला था। इसलिए इस दल को और नक्सलवादी जिंदगी को आखिरी सलाम। एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का सवाल का जवाब दीजिए सर। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं सर? सर 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 सुनिए तो सर, सर सुनिए सर, जवाब दीजिए सर। सर ये बताइए, सभी नक्सलवादियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो अब सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा करेगी? आपको क्या लगता है कि बाकी लोग भी आत्मसमर्पण करेंगे? देखिए, सरकार जो वादा करती है वो हमेशा पूरा करती है, और हमें यही उम्मीद है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में बदलाव और जनता में घुल मिल जाने के लिए हो रही थी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत मानते हुए कोर्ट ने हमारे लिए 1 महीने का रिमांड जारी किया। चलो उतरो, उतरो जल्दी 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 उतरो, चलो आओ जल्दी, चलो 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 चलो। जाने मेरा दिल खो गया, जाने मेरा दिल खो गया। आप लोग आ गए? ये लोग चेन स्नेचर है या पिक पॉकेटर? नक्सली है सर। नक्सली? अपनी आदमी है। आत्मसमर्पण किया है इन लोगों ने सर। क्या नक्सलवाद से थक गए क्या? भागना चाहिए था ना। खैर, मेरे प्यारे नक्सलियों, तुम लोगों की भाईगिरी जंगल तक है, लेकिन यहां का बाप मैं हूं। आई बात समझ में? हां तो मेरे दोस्तों, चलो अपना असली नाम बताओ। ए, तेरा नाम क्या है रे? शत्रु। शत्रु मतलब विरोधी। अबे हमारी बीच की दुश्मनी नहीं पूछ रहा हूं मैं, तेरा नाम पूछ रहा हूं। शत्रु ही मेरा नाम है। शत्रु? अबे तू शत्रु नहीं है, मुझे ये सभी शत्रु नजर आ रहे हैं। ए शत्रु, चल साइन कर। साइन करना यार। ए सुन बे, शत्रु को पहले अंदर ले जा। तुम लोग शत्रु नहीं हो, लेकिन तुम लोगों की खातिरदारी मैं अपने हिसाब से करूंगा, हैं? प्रॉमिस। हैं? ए चल अब तू कर, ले जाओ इसे। जी सर। शत्रु, सुन बे, सच बताना, आत्मसमर्पण किया
भाग नहीं पाए इसलिए ना। चल अभी जा शत्रु। अरे रे 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 रे, क्या बात है, कितना डिसिप्लिन है। सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी मेरी जेल में लाइन में खड़े हैं। क्या मैं इतना अच्छा जेलर हूँ? ए, एक काम कर, सबके लिए चाय बोल जा। अरे रे 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 रे, बहुत खूब। अब ये क्या, इंसान और जंगली जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दिया? नो 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 नो, ये तो गलत बात है। सुनो, अगर ये लोग साथ रहेंगे ना तो मैच फिक्सिंग वाला हाल हो जाएगा। ये नक्सलवादी तो बड़े संस्कारी निकले यार, अब क्या करूं? क्यों रे, जब इतने ही संस्कारी थे तो नक्सलवादी बनने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, अरे इनके कारण तो अपना जेल स्वर्ग बन जाएगा। नो टेंशन, ओनली अटेंशन, ओके? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तुम नक्सलवादियों में सोशल सर्विस होगी, लेकिन जेल में सेल्फ सर्विस है, समझे? हाँ? ए, ऐसा क्यों घूर रहा है मुझे? खाएगा क्या? ये नक्सल मुझे खाएगा? कंट्रोल, कंट्रोल। अरे इसने तो कंट्रोल कर लिया। तूने हाथ रखा और इसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन मुझे कौन कंट्रोल करेगा बे? जब तक मैं कंट्रोल में हूं तुम लोग सेफ हो। दहशत पैदा करनी है तो हाथों में बंदूक होनी चाहिए, लेकिन बंदूक सही हाथों में होनी चाहिए। इसको करंट शॉट लगाओ। मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेर छैया रे, हाँ बोले आके भैया, चारों तरफ तेर छैया रे। पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। 22 भूतपूर्व नक्सलियों में से एक कुमार आर्या और कुमार स्वामी कल रात जेल से भागते हुए करंट का स्ट्रोक लगने से स्पॉट पे ही मर गए। कुमार के छिप कर भागने का कारण क्या होगा, पुलिस डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रही है और बाकी के लोगों पे भी निगरानी रखी हुई है, ऐसा हमें अपने अज्ञात सूत्रों से पता चला है। अरे यार क्या है ये? है क्या ये? क्यों मारा उन्हें? कह दियोगा ना, गलत करने की आदत है, तो कंप्लेन किस बात की? हाँ मारा क्यों? जाति दुश्मनी थी, हर जन्म के साथ ही हम लोग। जब भी तुम लोगों की करतूते याद आती थी तो मेरा दिल करता था कि तुम लोगों को सीधा बॉम्ब से उड़ा दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, कानून का नौकर जो हूं, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए। अब हम बदल चुके हैं सर। ओ, ये लोग बदल चुके हैं? क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो? तुम्हें फॉरेस्ट पुलिस और मिलिट्री फोर्स तुम सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारेगी। मैं ये कभी मान नहीं सकता कि तुम लोग बदल चुके हो। तुम लोग गद्दार हो और हमेशा रहोगे, समझे? कल जो आदमी मरा ना, उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, नहीं दी, ठोक दिया। क्या गलत किया मैंने? मुझसे कोई आदमी नहीं बचने वाला, सबको मारूंगा जो हिट लिस्ट पे है, सबको। ए, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। क्या बे, ये आराम किस खुशी में है कामचोर? तू कोई घर दामाद नहीं है, जो तेरी खातिरदारी होगी। तू सेंट्रल जेल का कैदी है, समझा? चल जाकर धो। ए, चलो अच्छे से धो।
सुने तू, साइड हट। ए, फटाफट काम करो। ए, क्या देख रहा है? ए, तू क्या कर रहा है यहाँ? चल इधर आ। ये सारे बाथरूम शत्रु से धुलवाने हैं, समझा ना? ए शत्रु, छोड़ दो उसे। सॉरी सर। शत्रु, हम सब खुद को सरेंडर कर देंगे ये तो हमने सोचा था, लेकिन यहां आकर ऐसे फंस जाएंगे ये नहीं सोचा था। भाई, हम लोगों से हर कोई इंसान डरता है, और वो जेलर हम लोगों को डरा रहा था। जानवरों के साथ रहते थे तब तो कभी डर नहीं लगा, लेकिन ऐसे इंसानों के बीच में आकर बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग वहीं अच्छे थे भाई। हाँ भाई, कल तक जो हमसे डरते थे वो आज हम लोगों को डरा रहे, हमारे सिर पे बैठ के नाच रहे। इससे तो जंगल अच्छा था, यहाँ तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ए, ज्यादा होशियारी मत कर, वरना तेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनकाउंटर लिख देंगे। काम कर, काम कर, फालतू बकवास मत कर, बेकार की बातें करते रहता है। शत्रु, तुम्हारा वकील आया है। शत्रु, अब आगे क्या होगा? जेल से शुरू होकर कृष्ण का युद्ध कुरुक्षेत्र तक गया था। देखते हैं हमारा यह युद्ध हमें कहां लेके जाता है। शत्रु, तुम्हारी बेल हो गई है। कल भी एक ऐसी ही बेल हुई थी, वो बस से गांव जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि गांव पहुंचता, नक्सलवादियों ने उसे मार डाला। वो लोग तुम्हारे गांव में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, पढ़ो इसे। अगर तुम यहां से बाहर निकले तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चल चल, देख क्या रहा है, चलना। जिन नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया था उन्हें मौका देखकर एनकाउंटर करो, ऐसा कहता हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। गांव गए तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर अब कहां है? इंट्रोगेशन में। इंट्रोगेशन मतलब पुलिस की मार और तुम्हारे जिस्म के बीच की दरिंदगी का खेल। ये इंट्रोगेशन उस वक्त तक चलता है जब तक दोनों में से कोई एक थक ना जाए। तुम जैसे लोगों का गुनाह के दलदल से बाहर निकलना ही, जानते हो, सबसे बड़ा गुनाह है। बंदूक पकड़ने वाले इंसान की जिंदगी कितनी होती है? तुम्हारी बंदूक की गोली से जब किसी का खून हो जाए तो खेल वहीं से शुरू होता है, और जब किसी और की गोली तुम्हें लगती है तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। जंगल में बंदूक हाथ में लेने वाले तुम और जनता के बीच बंदूक हाथ में लेने वाले हम, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच बस एक छोटा सा फर्क है, बिल्कुल वैसा जैसे भागने वाले और भगाने वाले के बीच होता है। तुम्हें भगाने वाला काम मैं दूंगा, करोगे तुम? पहले अभी को छोड़ दो। पहले जिस जनता के लिए जंगल में जाके हमने हथियार उठाए थे, अब उसी जनता के बीच में रहने के लिए हमें फिर से हथियार उठाना पड़ेगा। अब खुद जीने के लिए FIR, अरेस्ट वारंट, जो हम नहीं कर पाए थे वो सारे काम मैंने शुरू कर दिए। जल्द आपके कच्चे मकान को
पक्का बनाया जाएगा। ऐसी सिफारिश मैं सरकार से करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है। भागो यहाँ से, निकलो इधर, इधर चलो, चलो, अरे भागो, भागो, संभल कर, छोटू, छोटू कहाँ? नहीं नहीं, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। जुबान लड़ा था है? दूं क्या? बहुत नाटक बढ़ गया तेरा। ज्यादा बोलेगा ना तो ठोक दूंगा, समझा? चल जा। लोग भगवान से तो नहीं डरते, लेकिन बुलेट को देखते ही डर जाते हैं। इसीलिए मैं भगवान से ज्यादा बंदूक से निकलने वाली बुलेट पर यकीन करता हूँ। तुम लोग मेरे फिक्स किए हुए टारगेट पर काम करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट तुम लोगों के साथ रहेगा। अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो पुलिस तुम्हें टारगेट करेगी। शत्रु गैंग का नाम सुनते ही शहर में रहने वाले हर एक के दिल में डर पैदा होना चाहिए, खौफनाक डर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या बात है यार, प्रमोशन मिल गया तुम्हें? जी सर। ये भी सही है, चार धंधे वाली लड़कियों को पकड़वा कर अखबार में फोटो डाल दो, प्रमोशन। क्या बात है, एक काम करो, माउंट रोड पर कुत्तों का आतंक जारी, हेलो कल की ये हेडलाइन डाल दो, कुछ नया हो जाएगा लोगों के लिए। मीडिया को एंटरटेनमेंट का चैनल बना रखा है तुम लोगों ने, कभी नहीं सुधरोगे, जाओ बेवकूफ। हाय सर। हाय। हेलो सर। हेलो। अच्छा सपना। हाँ? बाहर जो होंडा सिटी खड़ी है वो तुम्हारी है? हाँ सर। किसी ने गिफ्ट किया? वो क्या है कि गुड केडी जिलानी केस के टेप्स गायब, यहाँ पर ऐसे बेशुमार नेता हैं जिनके इलीगल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी कवर करो, कुछ झोल करो, फिर होंडा सिटी क्या है, तुम तो BMW ले सकती हो। गुड मॉर्निंग सर। सर बोलिए। आजकल के अखबारों में सिर्फ हमारा अखबार ऐसा है जो डंके की चोट पर सच लिखता है, ऐसी हेडलाइंस मैंने पढ़ी। गुड, मान गया मैं। हैदराबाद में एक नया माफिया, ये उनकी तस्वीर है सर, कल के अखबार में इनके बारे में हेडलाइंस बनाइए। तुम चाहते क्या हो, इस तरह न्यूज में डालकर अपना अखबार, न्यूज चैनल सब खत्म कर दूं? उन लोगों के बारे में छापने में डर है, कुछ सोचो तो सही। आप छापेंगे या नहीं, या एक दिन मैं ही ये सारी सच्चाई पब्लिक के सामने बता दूं? इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम एंटरटेनमेंट के चार न्यूज कवर करो, उससे तुम्हारा नाम भी होगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बोलो क्या करना है? सर, कल रात को मेरी पत्नी कह रही थी कि आप भी ऐसी न्यूज छाप कर हमारे लिए दो चार बनारसी साड़ी दिलवा दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ऐसा करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ भेज दूं, क्योंकि जो अपना ईमान बेच सकता है वो अपनी पत्नी को भी बेच सकता हूँ, लेकिन शायद आप ऐसे नहीं सोचते सर। इसलिए जैसे चाहिए लिखिए।
क्या भाई, डर गया क्या? बहुत भारी है बंदूक, उठाने के लिए किसी को बुलाऊं क्या? भाई इससे चलेगी कि नहीं चलेगी बंदूक? हाथ में बंदूक और बंदूक में गोली होना ही काफी नहीं होता, इसे चलाने के लिए कलेजा चाहिए। चड्डी पहनने की उम्र में ही मैंने बंदूक थाम ली थी। भद्रम के प्रोफाइल में डर नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल जंगल मारे मारे फिरना और इसके तो आज ये नहीं बचने वाला। ये सब के सब खून बहाने वाले लोग हैं। हाथ में बंदूक लेकर खुद को शेर समझते हैं। जान से हाथ नहीं धोना है तो न्यूज पढ़ना बंद कर। मैं इंटर में अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिख रहा था। प्रेम से बढ़कर कुछ और भी है जो जंगल में ही मिलता है, ये सोचकर चला आया था। मुझे क्या पता था कि वहाँ जाकर मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। आंदोलन हमारा फर्ज है, आंदोलन हमारी जिंदगी है, आंदोलन से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, ऐसा जोश दिलाकर तुम लोग मुझे जंगल में ले आए। पेन के बदले गन दोगे ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे हाथ में ऐसी थकेली बंदूक दे दी जो ठीक से चलती भी नहीं। दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो जान से जाओगे। भाद्रा भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तो बोलता हूँ शूट कर दो इसे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जगह मैं जेल चला जाऊंगा। भाई गांव में एक छोटे से झगड़े में मैंने मुखिया से सिर्फ इतना ही बोल दिया, देखिए मुखिया जी दांतों के लिए पेप्सोडेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गांव के लिए मुखिया भी है। उसी समय इसने आकर क्या कहा पता है? देखने में तो तिली लगता है और बात करता है AK-47 चलाने की। अगर मेरे हाथ में AK-47 आ जाए तो पूरे गांव को मैं तड़ करके उड़ा दूंगा। इतना जिगर तो है ही ना मेरे पास भाई। लेकिन इसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे बहुत धक्का लगा भाई। मैं सीधा साधा आदमी, लेकिन ये मुझे यहाँ ला करके रातों रात नक्सली बना दिया भाई। इसको तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर नहीं निकाल पाता, इसलिए दिन रात अपने पर निकालता रहा। देवा आ गया, देवा आ गया भाई। पूरी बस्ती के लोग रंगों में डूबे हुए हैं और तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हो। होली खेलो, मस्ती करो, पूरा नवानो होली। ये जेके नारायण है, जनता के बीच न्याय और नीति दिखाने वाला एक नामचीन नेता है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ हमारे हाथों में बंदूकें थमाई थी और इस जेके ने अपनी पॉलिटिकल पावर से हमें एक चक्रव्यूह में डाल दिया। आइए सर। जिसमें हम पूरी तरह से फंस गए। चेरी, विद्यापुर MLA की समझ में नहीं आ रहा है, वो बेवकूफी पर उतर आया है। जनता के नाम पर 10 एकड़ जमीन इकट्ठा की है, वो भी हमारे जैसा ही है। लोगों को डराकर सारे कागजात भी ले लिए। मैंने समझाया लेकिन नहीं माने। अगर ये डील होती है तो 7 करोड़, तुम्हारे 4 करोड़, साहब के 2.5 करोड़ और मेरे 50 लाख। अगर तुम राजी हो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? डील डन। डील डन हो गई तो ऐसे ही चले जाओगे? उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? यूथ लीडर, सिटिंग MLA, गन ये नहीं देखती कि वो MLA है या नहीं, बस इसमें गोलियां होनी चाहिए। शत्रु, इसका खून बहुत गर्म है और ऐसे कामों के लिए गर्म खून की नहीं दिमाग की जरूरत होती है। गन के पास अगर दिमाग होगा तो कभी नहीं चलेगी। कैसा बेटा, चाहिए आपको? चाहिए? शत्रु, ये ले बेटा, मेरे घर वही आता है जिसकी कोई मजबूरी होती है या तो लायकमंद होता है। यही वजह है कि तुम यहां अंदर तक आ सके। काम बोलो। शत्रु भाई ने लैंड पेपर मांगे। अपना परसेंटेज बताओ, चाहे तो फोन पे शत्रु से बात कर लो। ए, कौन है शत्रु? जंगल से भागे हुए जानवर हो तुम सब, तुम सबको शूट कर दूंगा मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? जिससे दुनिया डरती है उसे धमकी देगा? प्यारा बेटा, हमारे साथ चलोगे? हमारे पास बहुत खिलौने हैं, AK-47 भी। वैसे हमारा घर जंगल जैसा है, वहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम उनके साथ खेल सकते हैं। बोलो छोटू, चलोगे ना? शत्रु ने कह दिया तो मैं लेकर ही जाता हूँ, फिर चाहे वो पेपर हो या फिर जान।
ए देवा, जब देखो देवा देवा करता रहता है, ये कौन है देवा? ए मेरा नाम है देवा। ए भाई इधर आ। आज से पहले मैं वीरप्पन के गैंग में काम करता था। वीरप्पन के मरने के बाद मेन टारगेट मैं बन गया। ऐसा? मेरा नाम था प्रभु देवा और मेरा बाप मुझे प्यार से प्रभु देवा ही बुलाता था, प्रभु उर्फ देवा। तब से मैं उर्फ देवा बन गया। भैया हमको एक डाउट है। क्या डाउट है? प्रभु देवा तू है? देवा तू है? ये अलियासर कौन है? कॉमेडी कर रहा है भाई, कैरम बोर्ड खेलते समय कॉमेडी कर रहा है भाई। रख के दूंगा। ए कौन इतना चिल्ला रहा है? कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है, वो भी देवा के सामने? ए दिल्ली क्यों इतना उछल रहा है? देवा से गले मिल। क्या करता है? मुंह लटका के क्यों खड़ा है? मैं तो बहुत ही खुश हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ये जंगली कुत्ते की तरह मुंह चाटता क्यों घूम रहा है तू? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो ये बात है क्या? ऐसा कौन सा तीर मारा है जो ऐसे नाश्ता घूम रहा है? ये पकड़ और बात कर, लंगूर कहीं का। लक्ष्मी आई लव यू। लक्ष्मी तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। लक्ष्मी मुझे भी तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, आजकल तुम्हारी याद बहुत आती है मुझे। अरे वाह, झाड़ियों की तितली देखती हूँ तो तुम्हारी याद आती है, आइसक्रीम की तिली देखती हूँ तो भी तुम्हारी याद आती है, रात दिन तुम्हारे ख्यालों में ही रहती हूँ। मेरा भी यही हाल है, जब से आई लव यू बोला है तूफान तूफान आ गया है मेरी जिंदगी में, कहीं तूफान में मैं उड़ ना जाऊँ। ऐसी बात है क्या? अच्छा ये बताओ तुम AK-47 जैसे हो या जंग लगी बंदूक जैसे हो, बोलो ना। अच्छा जोक है। I am fine, 1 month central jail under court matter, I am fine। ये देवा भी फाइन है। हाँ वो भी फाइन है। आई एम वेरी वेरी फाइन लक्ष्मी। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूँ ना, मेरे घर वालों ने उस पनवाड़ी सीनू से मेरी शादी तय कर दी है, फिर हमारी शादी कैसे होगी, बोलो ना। शादी? अरे हमारी शादी जरूर होगी, जरूर होगी। क्यों बे? माजिस की दिली तो उससे शादी करेगा क्या? सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, सच्ची जिंदगी हमेशा निस्वार्थ और बंधन मुक्त होती है। हमारी जिंदगी तो चिल्लर है चिल्लर। इसको भाषण की आदत पड़ गई है, ज्यादा भाषणबाजी की ना तो एक रख के दूंगा नालायक। अभी शत्रु भाई का फोन आया था, वो चेरी पैसा लेकर भाग गया, वो शहर से बाहर जाए उससे पहले उसे पकड़ना होगा। भाई देवा को सब कुछ पता चल गया है, आगे जाकर तीसरी गली से तुम लोग निकल जाओ, कोई बात होगी ना तो देवा को फोन करना। चेरी, ओए चेरी। चेरी कहाँ है? वो कुछ दिनों से घर पे ही नहीं आए, क्या क्या बात है? जब भी फोन करते हैं उनका फोन स्विच ऑफ बताता है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, घर पे बता के नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अरे क्या कर रहा है? छोड़ो। चेरी से बोल देना पैसे देकर अपनी बेटी ले जाए, अगर इस बात की खबर किसी को हुई तो इसका मारा मुंह देखोगी। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। पहली बार लाइफ में श्रुति का हाथ पकड़ा था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब भी वही बात है, उसे नहीं छोड़ना चाहता बिना मारे। अबे तेली। हाँ भाई। मेरे जैसा मोटा हो गया तो क्या करेगा? डाइटिंग कर लूंगा। अरे तुम्हारा सब काम हो जाएगा, बोला ना। देवा के होते हुए कोई काम रुका है क्या? अबे तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? कौन है ये मुझे धमका रहा है भाई? अरे तुझे कौन धमका सकता है, फोन बिल नहीं भरा है ना। अरे तो क्या कह रहा है? कस्टमर केयर वाले कट करने की धमकी दे रहे हैं। तेरे बाप का राज है क्या? अच्छा तो क्या करेगा तू? उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। देवा भाई
चेरी की बेटी है, जब तक पैसे नहीं मिल जाते ये यहीं रहेगी। तुझे भी वो दाढ़ी वाला मेरी तरह उठाकर यहाँ लाया है क्या? खाना खा लो, खाओ ना। क्या हुआ? ए देवा, तुम जाओ, मैं डील करता हूँ। चलो खाना खा लो। सुनाई नहीं दिया? पूरे राज्य में जिसको खाना नहीं मिलता ना, वो खाने के लिए देवा का नाम लेते हैं, समझी? एक राज की बात बताऊं, जब शहर में बच्चे खाना नहीं खाते तो उनकी माँ कहती है खा ले, नहीं तो देवा आ जाएगा। देवा को बुलाऊंगी, देवा तुझे लेकर जाएगा। मेरे नाम से डरा कर उन्हें खिलाती है। वही देवा मैं हूँ। तुम खाना खाओगी या मार खाओगी? देवा पर हाथ उठाया, उसकी इज्जत पर हाथ उठाया। ए, मेरे फोर फादर के बारे में तुम नहीं जानते? देखो, इसके फोर फादर है। फोर फादर का मतलब चार बाप नहीं होते बे, बाप के बाप के बाप। ये खा लीजिए। अरे तू रुक। देखो मेरी बात सुनो, तुम मेहमान बनकर आई हो, यहाँ उठा कर लाए, इस बात को साइड में रखो। तुम वो पहली लड़की हो जो हमारे घर आई हो, खाना खा लो। तुमने नहीं खाया तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। तुम खाना फेंक दोगी फिर दूसरी प्लेट में ले आएंगे। इसे देखो, ये जंगल में घूम घूम कर कैसा सूख गया है। ये नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। तुम अपने बारे में ना सही, लेकिन इसके बारे में तो सोचो। तुम्हारी वजह से अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने नहीं खाया तो ये तो मर ही जाएगा। बाकी तुम्हारे हाथ में है। ए, मस्का मरने की जरूरत नहीं है, खाना होगा तो खा ही लेगी। ए, तू क्यों बीच में बोल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह उसका फोन आने वाला है, नींद आ रही है। देखो तुम इसका बुरा मत मानना, अब आईना है आईना, तुम नफरत से देखोगी तो वो दुश्मन नजर आएगा। एक बार उसके सामने प्यार से जाओ, यकीन मानो अभय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके दिल में सबके लिए प्यार ही प्यार है। मैंने यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसके प्यार ने मुझे यहाँ से कभी जाने ही नहीं दिया। अभय बहुत अच्छा इंसान है। मुझे भी भागना है। भागना है? मुझे भागना है यहाँ से। तुम पहले खाना खा लो फिर भाग जाना। कब? आज रात में। जल्दी से खा लो। पक्का रात में भाग जाएंगे ना? आज रात में। पत्रा, उठो ना, जल्दी उठो, हमें भागना है। उठो ना, नहीं तो वो दाढ़ी वाला जाग जाएगा। हे, उठो ना पत्रा। देवा हूँ यार। अबे मच्छर, देवा को काटने की हिम्मत कैसे की तूने? एक पैग लगा लेता हूँ, आराम से नींद आएगी। ज्यादा नहीं मारूंगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। सामने आओ, देवा किसी से नहीं डरता। अरे अब कौन है ये? क्या ये तो भूत फिल्म का सिचुएशन लग रहा है। देवा किसी भी सिचुएशन से नहीं डरता। क्वार्टर खाली हो गया।
हाँ ए पहलवान, ए पहलवान। अरे क्या है रे? अरे वो आई थी यार। अरे वो कहाँ आएगी यहाँ पे? अरे वो नहीं, भूतनी आई थी यार। अरे आने दे, तू देवा है, तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ए, ये तुझे पता है, मुझे पता है, भूतनी को थोड़ी पता है यार। आ? ए भाई, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, वैसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, तो भला करेंगे, भला करेंगे। ए पहलवान, ए पहलवान उठना। क्या है बोलना? मिमिक्री कर रहा है भाई, मेरे साथ मिमिक्री कर रहा है भाई। पुलिस स्टेशन चल, रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस स्टेशन जाएगा? तू कोई मिनिस्टर की औलाद है क्या? नक्सली समझ के गोली मार देंगे तुझे, समझा? मुझे जोर से सुसु आई है, उठना, सुसु आई है, चलना मेरे साथ। अरे उठना, अरे बाथरूम में तो चल मेरे साथ। पिता क्यों है? कहाँ चल दिया? मुझे नींद आ रही है यार। साथ आए थे, साथ जाएंगे। तूने जंगल में मेरे साथ कसम खाई थी ना, साथ जाएंगे, साथ मरेंगे। जंगल में? ये तो दगाबाजी है। मुझे अकेले छोड़कर भाग गया, ये कोई न्याय है क्या? खुद को समझता क्या है? ए! देवा किसी से नहीं डरता, किसी के बाप से भी नहीं डरता। अभी बताता हूँ। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। जिंदा रहना है तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, जाके सो जाओ। क्यों बे, ये क्या कर रहा है तू? हाँ वो आ गई है ना, इसलिए। तो वहां जाकर हिलना, यहाँ क्यों हिल रहा है? तो सही में जाओ क्या? चल, जा, जा ना। कैसी हो तुम? मुझसे मिलने आई हो क्या? मुझे पसंद करती हो तुम? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जान ले ली मेरी। भद्रा भाई, इसने तो मेरी जान ले ली। अरे देवा भाई, जान ले ली इसने मेरी। हे सुनो, इससे शादी करने के चक्कर में सारे रिश्तेदार छोड़कर तुम यहाँ आ गई। तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? इन्हें बिना काम के मैंने हवा में घूमते देखा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जब ये हवा में घूम रहे थे ना, तभी मुझे इनसे प्यार हो गया। लेकिन जब ये गांव में भटकते थे, तो वहाँ के सब लोगों से प्यार करते थे। बिना किसी फायदे के इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। मैंने भी सोचा, क्यों ना मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इनके लिए, इनका साथ देने के लिए हमेशा के लिए यहाँ चली आई। ए, भाई जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दो। ए, AK-47 की शादी कैसे होनी चाहिए पता है? शुरू हो जाओ देवा। क्या हुआ?
भाई ये दोनों शादी करना चाहते हैं। करने दे। बैठो ना। श्रुति कुछ बोलो। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। वैसे इन राक्षसों के बीच में तुम क्या कर रही हो? दिखने में तो समुंदर भी भयंकर है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाओगी तो मोती मिलता है। अंदर की मोतियों को देखो, ऊपर के भयंकर समुंदर को नहीं। सेवा, क्या बात है, तुम लोग समंदर में मोती की बात कर रही हो? मेरे पास तो चेन है। फिर से आ गया? अरे क्या हो गया, क्यों आया? मैं तो ये कह रहा था कि क्या काम है तुझे? समंदर में रहकर मोतियों की बात कर रही हो, मेरी बात तो गलत समझ लिया। भैया हमको एक डाउट है। ए, मुझे देखते ही तुझे डाउट होने लगता है क्या? नहीं हा? लेकिन जब तुम अंदर शेर की तरह गए थे लेकिन बाहर भीगी बिल्ली लगते हो, मुझे आखिर बोलो, आखिर माजरा क्या है? दो औरतों के बीच में मेरी इज्जत उतर गई? दो औरतों के बीच में मेरी इज्जत उतर गई? हाँ, बिहार में ले जाकर एनकाउंटर करवा दूंगा। अच्छा देवा, ये मंगलसूत्र कितने का है? 5 ग्राम सर। 5 ग्राम का? हाँ जी सर। इसे पैक कर दीजिए। ठीक है सर। भद्रा भाई, वो लक्ष्मी जो है साक्षात सोना है भाई, तो उसे सोने की क्या जरूरत है भाई, रस्म तो हल्दी से भी अदा हो जाती है। अबे तो उसे हल्दी का धागा भी बांधेगा ना, लक्ष्मी तुझे फिर भी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर तुझे अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो सोने का मंगलसूत्र पहना, अपना मुंह बंद रख। भाई साहब अभी से पैक कर दीजिए। क्यों भी, साड़ी अच्छी लगी ना? भैया इसे पैक कर दीजिए। भाई ये तो बनारसी साड़ी है। हाँ पता है, लेकिन शादी में ना बनारसी साड़ी नहीं दोगे तो क्या सिंपल साड़ी दोगे, अच्छा लगेगा क्या? शादी के बाद मैं भी आपकी तरह मोटा हो जाऊंगा भद्रा भाई, तब वो मुझे और भी पसंद करेगी ना। अबे तू तीली है, तब भी उसने पसंद कर लिया, मेरी तरह हो जाएगा तो और प्यार करेगी। आज लग रहा है कि ये शहर कितना बड़ा है। भद्रा भाई जरा रुकना, तो शायद कोई फॉलो कर रहा है। भद्रा भाई हमें कोई फॉलो कर रहा है। भद्रा भाई निकलो जल्दी जल्दी, निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। भद्रा भाई जल्दी जल्दी, मूव मूव फास्ट जल्दी। भद्रा भाई जल्दी जल्दी। भद्रा भाई जल्दी 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 निकालिए जल्दी। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, सर 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 सर
सर आपके पैर पड़ता हूँ, सर आपके पैर पड़ता हूँ। सर मेरी शादी है सर, मेरी शादी है सर, मैं छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ सर, सर मैं जीना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर, नहीं सर, सर सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले एसपी लड्ढा आज ही इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। आते ही उन्होंने भूतपूर्व वेस्ट लाइट और कई क्राइम शामिल रहे शत्रु गैंग के AK-47 उर्फ परशुराम और भद्रम उर्फ वीरभद्रम का एसपी ने आज इनकाउंटर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो पागलों जैसा मार रहा है और हम मर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हम। हैदराबाद सिटी में क्रिमिनल्स का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। कोई छोटा भी गुनाह करेगा तो इनकाउंटर से उसको साफ करूंगा। इस सिटी में आते ही सारे क्रिमिनल्स मुझे ध्यान से सुन लें, अगर नहीं सुधरे तो बदले में डेड बॉडी के लिए तैयार रहना। इस शहर के इनकाउंटर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यहाँ से ट्रांसफर होने से पहले मुझे सेंचुरी बनाने का आशीर्वाद दीजिए। आपका प्रिय। जमीन पर पड़े हुए वीरों, झुकती हुई पलकों पर कभी रोशनी नहीं चमकेगी। जब हमारा गला सूखेगा तब राष्ट्र गीत गाएंगे और हमारे कदम नहीं रुकेंगे। सूरज की किरणें बिखरेंगी, वही आंदोलन है, वही इंकलाब है। अबे चुप बे, जब वो जिंदा थे तब भी भाषण देता था, अभी भी वही राग। अरे नहीं यार, पहले मेरे भाषण से वो लोग उठकर मुझे मारते थे, अब भी वो उठेंगे और मुझे मारेंगे। देखना वो लोग अब भी उठेंगे, दिल में यही उम्मीद है। मुट्ठी में शस्त्र है, दिल में एक लक्ष्य है, फिर कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, किसी का जोश नहीं रोक पाएगा। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? कहा था तुम आईना हो, दिल के बिल्कुल साफ, एक बहुत अच्छे इंसान, लेकिन तुम्हें जिस नजर से देख रही हूं तुम हैवान नजर आ रहे हो। बेचारा भद्रम, मेरी माँ के बाद इसी ने मुझे खाना खिलाया, मेरा ख्याल रखा। इनकी शादी के लिए दिल्ली के साथ मंगलसूत्र खरीदने गया था, एक ऐसा मंगलसूत्र जो पहनने से पहले ही टूट गया, पर तुम्हें इससे क्या, तुम्हारे लिए तो इनकी जान। अब अगर एक शब्द भी कहा तो जान ले लूंगा। ब्रोकर की बेटी, जा यहां से। बॉडी ले जाओ। मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस लड्डा को तुम लोगों के बारे में बताना भूल गया। सर, हाँ, लड्डा ये हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, जो काम डिपार्टमेंट नहीं कर सकता ये लोग हमारे लिए करते हैं। तुम्हें नहीं पता था इसलिए गलती से तुमने इनके आदमियों का इनकाउंटर कर दिया। सर गलती से नहीं, जानबूझकर इनकाउंटर किया है। हमारा काम अगर ये लोग करेंगे तो सरकार हमें क्या चूड़िया पहनने के लिए पैसे देती है? आपको तो पता है सर, एक एक के ऊपर 20-20 केसेस हैं। पूरे शहर में इन लोगों ने दहशत फैला रखी है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा सर, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जब तक इन लोगों की फाइल क्लोज नहीं कर देता तब तक कोई दूसरी फाइल नहीं खोलूंगा सर। आरके सर, एक तो लॉकअप में मर गया और दूसरे क्रिमिनल्स जहां मिले उन्हें शूट एंड शाइट। इससे पहले वो हम पर वार करे हमें पहले हमला कर देना चाहिए भाई। तुम दोनों को एसपी ने मारा, तुम्हारी मौत तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुई है, अब कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे।
अगले एक घंटे में श्रुति की मौत मेरे हाथों होगी। एसपी लड्डा, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। वो अकेले कहाँ मिलेगा? जब तक वो ड्यूटी पर है हम उसे टच नहीं कर सकते। वो अपने असिस्टेंट के साथ प्राइवेट गेस्ट हाउस में रहता है, हम उसे रात में वहीं पकड़ सकते हैं। तू उसे फॉलो कर, मौका मिलते ही उड़ा देंगे। उसका 15 दिन के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। किसी की जान लेना समस्या का समाधान नहीं है। भैया मैं जा रही हूँ। 2 दिन और रुक जाती। नहीं भैया, यहाँ पे हर पल मुझे उनकी याद आती रहती है। भैया उनके साथ जिंदगी गुजारूंगी इस उम्मीद से आई थी मैं यहाँ, लेकिन अब इन आंखों में आंसू लेके जा रही हूँ। लेकिन इन आंसुओं का दर्द तुम भैया महसूस नहीं कर सकते। मरते वक्त उनके हाथ में ये मंगलसूत्र था भाई, अभी हमेशा मेरे पास रहेगा, ये उनकी आखिरी निशानी है। आपकी गन ने हमेशा लोगों की जान ली है भैया, काश आपकी गन में जान होती तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। बहुत हो गया खून खराबा, अब बस करिए भैया, आप ये सब बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए भैया। छतरी लीजिए बेटी। नहीं चाचा, पानी और आंसुओं का फर्क अब पता ही नहीं चलता। उसे मत पीना, उसमें जहर है। सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी। मैंने कहा जहर है, फिर भी पी रहे हो? जान की परवाह नहीं है क्या, या फिर मुझ पर यकीन नहीं है? ब्रोकर की बेटी पर क्यों भरोसा करोगे? वैसे लक्ष्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया। सॉरी। ओ, एक बार अपना मोबाइल दोगे? प्लीज एक कॉल करना है, प्लीज माँ से बात करनी है, तुम्हारे सामने ही करूंगी। माँ तुम कैसी हो? श्रुति थैंक्स, मेरी वजह से दीदी की शादी भी रुक गई। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एक तो मैं भी यहाँ पर हूँ, पता नहीं दीदी कैसी होंगे। तुम्हारे बिना शादी नहीं करूंगी, ऐसे डायलॉग मारती थी वो बेवकूफ। उसका नाम राम है। मैंने दीदी को समझाया बेटा, राम नाम के सभी लड़के अच्छे नहीं होते, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आया। पता नहीं अब क्या होगा, मेरे और माँ के सिवाय दीदी का इस दुनिया में
कोई भी नहीं है। पता नहीं पापा भी कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। कहती थी कि उनके बिना शादी नहीं करूंगी। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? हाँ बहुत बोल चुकी। चल जा। शत्रु भाई भाई, आपने जो कहा था वो सही है भाई। इस जंगल की लड़ाई से ज्यादा जरूरी मेरा परिवार है भाई। मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे आ गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। मैं डीजीपी से बात करके उस एसपी का ट्रांसफर करवा दूंगा। साफ साफ बताओ, अब तक हमने लैंड ग्रैबिंग, लैंड डीलिंग, काले धंधे और सेटलमेंट्स किए हैं, लेकिन अब हम कुछ अलग करना चाहते हैं। शालीमार के एमएलए अजीज का खून करना है। इस समय यह सब करना ठीक नहीं है भाई, चलिए चलते हैं। शत्रु, ₹500 करोड़ की डील है। इस सेटलमेंट से हम सबकी लाइफ सेटल हो जाएगी। सर अब डील का क्या होगा? मैंने एक नई डील सोची है। शहर में किसी का भी खून होगा तो शत्रु ने मारा है ऐसा सोचा जाएगा। फोन। माँ कैसी हैं आप? आप लोग ठीक तो है ना? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, वो लड़का तेरी दीदी के साथ शादी करने के लिए मान गया। क्या कहा? दीदी से शादी करने के लिए मान गया? दीदी बात खुश होंगी ना? है ना माँ? लेकिन तुम्हारे बिना शादी नहीं हो सकती बेटी, इसलिए हमने शादी के लिए मना कर दिया है। माँ मैं आज नहीं तो कल तो आ ही जाऊंगी ना माँ, और फिर इतना अच्छा रिश्ता और परिवार बार बार नहीं मिलता है माँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी को वो लड़का पसंद भी है। प्लीज माँ कैसे भी करके दीदी को मना लीजिए। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना बेटी। ठीक है माँ। तुम बिना गन के शादी भी नहीं करोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, मेरी दीदी की शादी तुम्हारी वजह से हो रही है ना? कहीं उस लड़के को गन तो नहीं दिखाई तुमने? प्लीज प्लीज बताओ ना प्लीज। हाँ बुलवाने के लिए ये करना पड़ता है। क्या है डरा रहे हो? डमी गन दिखाकर लोगों को डराना आजकल का फैशन हो गया है। शूट करोगे क्या? शादी में पटाखे फोड़ने थे, अभी क्यों फोड़ दिया? शादी से किसे इंकार है? क्यों रे, तूने मना किया? नहीं, है ना, बैंड वालों को बुक करना है, शादी के बहुत सारे काम बाकी हैं।
शहर में शालीमार अजीज की हत्या और उनकी हत्या का शक शत्रु गैंग पर जा रहा है। शालीमार के एमएलए अजीज की आज मौत हो गई है। अजीज मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले ही थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और पुलिस को शक है कि इस हत्या में शत्रु गैंग का हाथ हो सकता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। रोक दीजिए, बस कीजिए। अब आप एक पब्लिक फिगर हैं सर, जनता सब कुछ भूलकर आप जैसे लोगों के ऊपर विश्वास कर रही है सर। उनके साथ विश्वासघात मत कीजिए, मत कीजिए विश्वासघात सर। आपकी राजनीति आम जनता के अलावा जंगल से आए जनता के बीच रहने वाले लोगों पर भी शुरू हो गई है सर। जनता जो जंगल में रहते हैं उनको जानवर समझती है, लेकिन वही लोग अगर उनके बीच रहने आ गए तो आप जैसे जानवरों के सामने वो लोग एक हिरन की तरह लगते हैं सर। वो मासूम लोग हैं सर, उन्हें छोड़ दीजिए, उन लोगों की जान बख्श दीजिए सर, जाने दीजिए उनको। आउट। नहीं सुधरेंगे आप, नहीं सुधरेंगे। आपकी ये जो घिनौनी राजनीति है मैं उसे जनता को बता दूंगा। यहाँ के 6 लाख लोगों द्वारा चुने हुए न्याय और इंसानियत का देवता समझते हैं ना अपने आपको, वही जनता अगर आपको दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारी तो देख लीजिएगा। कदम कदम बढ़े चलो, रुके न ये कदम, कभी संघर्ष है करना। डटे रहे डरे नहीं, लुटा देंगे बस पे हम ये प्राण अपना। हर तूफान रोकेंगे, हर पहाड़ चीरेंगे, कदम पीछे न करेंगे हम। ये रक्त जितना भी बहे बहाते रहेंगे हम, पीछे न हटेंगे हम। बढ़ना बढ़ना आगे है बढ़ना, कदम बढ़ा कदम। बढ़ना बढ़ना आगे है बढ़ना, कदम बढ़ा कदम। कदम कदम बढ़े चलो, रुके न ये कदम, कभी संघर्ष है करना। निकले रहे डरे नहीं, लुटा देंगे फर्ज पे हम ये प्राण अपना। पहुंचना है लक्ष्य पे हमको हर हाल में अब तो यारो, हर सांस अपनी कर दी है हमने तो यार संघर्ष के नाम। बढ़ना बढ़ना आया है बढ़ना, कदम बढ़ा कदम। बढ़ना अपने कर्तव्य के लिए, जैसा भी हो रास्ता हमें है रब का वास्ता, चलते जाना है अब तो। अपने बाप बल से हम लड़ लेंगे काल से, रत्ती भर भी पीछे ना हटे। मुंह तोड़ जवाब दे दुश्मन को हम दाब दे, जो भी आए अपने आगे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ए, क्या हुआ भाई? ए? भाई 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 धर्मा को, भाई धर्मा को काट डाला भाई उस एसपी लड्ढा ने, भगा भगा के मारा भाई, भगा भगा के।
अगर हम उसे बिना मारे छोड़ देंगे तो भी वो हमारे आदमियों को मारना बंद नहीं करेगा। आप बस एक बार बोल दो भाई, उस लड्डा को मारने से हम सबकी जिंदगियां बच जाएगी। बोलो भाई। अभय, गुजरे हुए इंसानों को भूल जाने में ही सुकून मिलता है, और यही सच है। भगवान ने इंसान को सबसे अच्छा वरदान दिया है, भूल जाना। उस वरदान का इस्तेमाल करो, मगर भूलो मत। तुम्हें पसंद करने वाले, तुम्हारा हाथ थामने वाले, तुम्हारे हाथ में गन देखकर आज डर रहे हैं तुमसे। पसंद डर पर हावी होनी चाहिए, डर को पसंद पर हावी मत होने दो। तुम्हें बदलना होगा। आइस क्यूब ले क्या? जी सर। ब्रेकिंग न्यूज, एसपी लड्ढा पे शत्रु गैंग का अटैक, लेकिन दूसरे ही पलों में लड्ढा की जान बच गई। एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में शत्रु गैंग ने ग्रेनेड बम से हमला कर दिया, लेकिन उस हमले में एसपी लड्ढा घायल हो गए और उन्हें घायल अवस्था में तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। हॉस्पिटल में एसपी लड्ढा का इलाज शुरू कर दिया गया है, ये खबर हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है। हैदराबादी माफिया कब किसे कहां शूट करते कुछ पता नहीं। एमएलए जनता से नहीं मिल सकता, ऐसा माहौल हो गया यहां पर। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग? सरकार इस भूतपूर्व नक्सलियों का कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहां जो बोल दिया जाता है वही ऑर्डर है और वही यहां का शासन है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग यहां बैठकर? आपसे नहीं होता है तो बोलिए, मैं सेंट्रल में। हेलो। तुम लोगों को मारने के लिए सरकार ने लड्ढा को नियुक्त किया है। शूट एंड साइड का ऑर्डर भी पास हो गया है। इस समय तुम लोगों का अंडरग्राउंड ही रहना अच्छा है। किसी सेफ जगह पे चले जाओ। जेके से फौरन मिलना है। वेलकम शत्रु। बैठने का समय नहीं है। तो फिर हमें आपकी मदद चाहिए। सरकार ने हमें शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। इस समय आप ही हमें बचा सकते हैं। पूरे 6 लाख लोगों के द्वारा चुना हुआ एक लौता नेता हूं मैं। आई एम सॉरी शत्रु, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ और है तो कहो। भाई, जीके से एक बार मैं बात करके देखूं क्या? क्या कहा उसने? मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज। ये
जरा डीजीपी को फोन लगा। हेलो। जेके के पास गए थे उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। फिर अभी ने उसके सिर पे गन रख दी तो वो अभी से जीवन के लिए भीख मांगने लगा। अभी ने नहीं सुना। हाँ, जेके को मार दिया? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कल एसपी, आज एमएलए, शत्रु, ये ठीक नहीं है। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो जानते हो? जानते हैं। अब हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, हम सबको सेफली शहर से बाहर निकलवा दो। दूसरा, हम खुद ही मीडिया के सामने जाकर सब सच बता देंगे। हम लोगों को सिर्फ एक ही आदत लगी है, आगे बढ़ो, चलते रहो जंगल में। चलो रे। ए देवा। ए, ये सड़ी हुई जींस किसकी है? हेलो, ये मेरा जींस है। इसे कभी धो भी लिया कर। ये दो बैग क्यों लिए हैं? कपड़े नहीं होंगे तो पत्ते लपेट लेंगे। ये बॉटल किसकी है? ये नहीं रखोगे? सब कुछ रख लिया बेबी, रम, विस्की, बियर और वोडका भी लगाया उधर। मैं परफ्यूम की बोतल की बात कर रही हूँ, पेवड़ा कहीं का। ए, मुझे किसने बुलाया? हाँ देवा भाई, इधर आओ। आ रहा हूँ, रुको। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? एक नहीं, दो पूछो। तुम्हारे थोबड़े का और तुम्हारी गोल्ड चेन का कोई मिलाप है क्या? ए, देवा। ए, श्रुति। हमारे साथ रह रह के तुमने भी स्टाइल सीख ली? हाँ तो। ए, जल्दी चलो रे, पेवड़ा कहीं का। संभल कर जाना, अगली बार शहर में आओगे तो मुझसे मिले बिना मत जाना। टेक केयर, बाय बाय। इसे भी साथ ले चलो। अभी जब हम लोग सेफ हो जाएंगे तो लड़की को वापस भेज देंगे। जिंदगी का जो मकसद नहीं था, उस जिंदगी को श्रुति से एक नई पहचान मिली थी। दिल के है मेरे, तू इसमें
हंसने लगी हो तुम। लो चली वे जाने चले तुम, जाने चलो मैं थोड़ी हो गुमसुम, दिल थोड़ा हंसता दिल थोड़ा डरता। आखिर गुनिया ढोने के लिए घोड़े हैं तो मैं क्यों करूं ये सब? अरे आप भी कमाल करते हो, सब कुछ हम ही ढोएंगे। अरे आजकल तेरी जबान बहुत चलने लग गई है, रुक जा ना। अरे मामा मैं बता रहा हूं, गलती हो गई है। अच्छा हमको माफ कर दो, मेरी बिल्ली नहीं बोलेंगे अब से। मैं बताता हूं। अरे बाबा नहीं नहीं, अरे अरे क्या हुआ, काहे बात खराब हो गई तेरी? शत्रु मामा, शत्रु मामा आ जाओ, आ जाओ शत्रु मामा, आ जाओ मामा, शत्रु मामा आ रहा, हट जाओ सब। शत्रु मामा कदम रखते हैं तो गांजे की फसल भी तुलसी बन जाती है। मामा सरकार चाहे कितनी भी आए जाए लेकिन गांजे का कोई हाथ नहीं लगा सकता, है ना कमाल मामा? चलो चलो, उसका नाम क्या है मामा? लड्डा। लड्डा गया खड्डे में। अगर मिलेगा ना तो उसे गांजे में चला दूंगा। तू आज नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अरे तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कपड़ों को हाथ लगा दिया? बारिश के बिना तू नहाया नहीं है और मेरे कपड़ों पे हाथ लगाता है? ये क्या बोल रहे हो मामा, कल ही तो नहाया था। झूठ मत बोल, महीने महीने गुजर जाते तुझे नहाए हुए और तू मेरे कपड़े पहनेगा? अपने गंदे बदन को मेरे कपड़ों से दूर रख, तू चुप रहना। अरे मामा ये मेरे कपड़े हैं। देवा क्या बोल रहा है? मामा उसे छोड़ दो, वो बच्चा है, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है तू बोल रहा तो छोड़ रहा हूँ इसे मैं। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चाय बनाना जल्दी जा, इधर परेशान करता है, हड्डी पसली तोड़ दूंगा देवा। अच्छा भाई मुझे तो शक हो रहा है कि तुम्हारा नाम देवा है। इसमें शक करने वाली क्या बात है, मैं नेम प्लेट लगाकर घूमूंगा क्या? अच्छा छोड़ो भाई, चलो एक गेम खेलते हैं। ऐसा गेम बिल्कुल नया, मजा आएगा क्या? बहुत मजा आएगा, चलो बताओ। इसे तीन बार पी कर तीन कदम चल कर दिखाओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा नाम देवा है। हाँ। तीन बार पीऊंगा और तीस कदम चलूंगा, चल। इसमें क्या है देवा? एक, देवा को याद नहीं आ रहा है। दो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तीन, ए देवा मेरी दीदी की कल शादी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक है अब कुछ भी नहीं बोलूंगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी,
तुम्हारा गन पकड़ने का स्टाइल कमाल का है। अब क्या चाहती हो? दीदी से मिलना है, फौरन आ जाऊंगी। तुम ले चलोगे क्या? बोलो ना। अभी सही वक्त नहीं है, तुम अंदर जाओ। अभय, ये रास्ता कौन सा है? ए, मुंह बंद रखो। आज के बाद कभी मत मिलना, समझ गई? तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ ही? वो मैं देख लूंगा। और मेरा गिफ्ट? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें एक बात आज तक नहीं बताई। तुम्हारी ये गन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। भाई, शत्रु भाई, 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 श्रुति कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई भाई, वो शायद कहीं भाग गई है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद वो भाग कैसे गई? ए, ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहां से आए और कहां जा रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे लिए वही एक ढालती और उसे भी भेज दिया तुमने। अगर वो लड़की लड्डा के हाथ लगे तो क्या होगा? श्रुति मिल गई, महीने भर से गायब थी। कहां थी, किसके साथ थी? आंटी, एक कप कॉफी मिलेगी क्या? सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी से तुम प्यार करती हो या नहीं, मेरा यह सवाल नहीं है। शत्रु गैंग कहाँ छुपा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। मैं नहीं जानती। लड्डा को पता चल गया तो कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, अभी के साथ सबको एक नई जिंदगी मिल जाएगी। आंटी, कॉफी? इस वक्त वो कहाँ होगा बताओ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए तुम इतने लोगों की जान जोखिम में कैसे डाल सकते हो? शत्रु, हमने उन पर भरोसा किया, इसलिए आज हमारी जान पर बनाई है। मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता हूं। अब बोल भी दो, अभी कहां है? मैंने ही भेजा है उसे। हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे श्रुति पर पूरा भरोसा है, वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेगी। मुझे मार भी दोगे तब भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। I like you। पहली बार लगा कि जिंदगी में अकेला पड़ जाऊंगा। तेरी गलती की वजह से मैंने तुझे नहीं मारा। तेरे बाहर जाने से तुझे कुछ ना हो जाए, इस डर से मारा। आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना। शत्रु मामा, आज तक जाने वाले को किसने रोका है? लेकिन आज यहां से कोई नहीं जाएगा। प्लीज सर, मुझे मत मारो सर। सर, मैं नहीं जानता कुछ भी सर। सर, सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे छोड़ दो सर।
सर, सर नहीं सर, मेरा कोई कसूर नहीं है सर। सर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो सर, सर समा। तुम लोग भागो यहाँ से, जल्दी जाओ, जल्दी चलो। बाबा मेरी बात मानो, बाबा चलो भाग निकलते हैं। अरे मैं आता हूँ ना, तू जा, चल भाग भाग। एक मिनट रुक जाओ सर, हमारे इस पेट को जला देने वाली भूख और जीवन को नरक बना देने वाला दुख, मतलब गरीबी और दादागिरी, हम इसी को मिटाने के लिए आंदोलन करते हैं। जनता में बदलाव लाने के लिए हमने आंदोलन किया, लेकिन रत्ती भर में बदलाव नहीं आया, लेकिन हम खुद बदल गए। आंदोलन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम लोग एक मिनट और इसकी बात सुनते तो तुम लोग भी नक्सलवादी बन जाते। डरना मत बच्चों, तुम्हारे साथ देवा है, तब तक मत डरना। देवा किसी के बाप से भी नहीं डरता, समझ गए? अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा को कोई नहीं मार सकता। देवा केसु, 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 मेरी केसु। शत्रु सब खत्म हो गए, कोई नहीं बच सका, अब तो मेरा वक्त भी आ गया। शेखर गांस, शेखर गांस। आंदोलन जिंदाबाद। भाई मैं हमेशा से नक्सली था और हमेशा रहूंगा। आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद। शत्रु सरेंडर कर दो, तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं,
सरेंडर करोगे तो भी मारूंगा, नहीं करोगे तो भी मारूंगा। भाई उसे मारने के लिए एक गोली ही काफी है, नहीं छोड़ूंगा उसे। अभी 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 रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ अभी। अगर तुमने एक गोली चलाई तो वहां से कितनी गोलियां चलेंगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, मिशन सक्सेसफुल, हम कामयाब रहे। श्रुति वही सबकी मौत का कारण है। श्रुति कहाँ है? मैं अभय के बगैर नहीं जी सकती। मेरे अपनों को बचाने के लालच में मैं तुम सबकी मौत की वजह बन गई। अगर दुनिया में मुझे कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है अभय। आई लव यू अभय। ये पूरा का पूरा एरिया नक्सलवादियों का है, हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। पूरी जिंदगी एनकाउंटर के सिवा मैंने और कुछ नहीं किया है।
कदम कदम बढ़े चलो रुके न ये कदम कभी संघर्ष है करना डटे रहे डरे रही लुटा दे।